सिख यूथा पंजाब दे वल्लों जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब दे दफ्तर विखे एक मंग पत्र देने आए। मंग की गई कि बठिंडा दे ग्रंथी सिंह गुरमेल सिंह दे वल्लों राम रहीम अते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबंधी कीती अरदास दे मामले विच बीजेपी दे आगू दी साजिश सामने आई है। इस दे चलदे उन्होंने मांग की कि जिवें कि बीते समय में RSS नूं पंथ विरोधी कार्रवाइयां करन संबंधी हुक्मनामा जारी किया गया सी, उसे तर्ज उपर बीजेपी उत्ते भी पाबंदी लगाई जाए। इस संबंधी गलबात करदे सिख यूथ आप पंजाब दे मुखी मनजीत सिंह अकाली और प्रदीप सिंह मुख सेवादार ने दस्सिया कि उन्होंने वालों बीजेपी की शह से पंथ विरोधी कार्य करन ते RSS वांग बीजेपी की पाबंदी लगाई जाए। इस तों इलावा मानवता की सेवा नाम की संस्था के मुखी गुरप्रीत सिंह मिंटू के दिल्ली मोर्चे में वड्डी गिणती में निशान साहब अग्न पेंट करने मामले से भी कार्रवाई की जाए ता जो भविख में कोई भी अजिही हरकत ना करे। हाँ जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जी दास परमजीत सिंह अकाली सेवादार सिख यूथ पावर ऑफ पंजाब जी। हाँ जी, श्री अकाल तख्त साहब साडा पेश होने का मकसद यह कि पिछले दिन तुसीं देखिया कि गुरु घर दे विच सरसे वाले साहब के संबंध में अरदास होंदी आ, उस अरदास किन्ने करवाई किवें होई वो सारी जिहड़ी घटनाक्रम आ सारा सामने आ चुका, जिहदे विच सुखपाल सराना का बंदा जो कि BJP दा नुमाइंदा वा उस इलाके दे विच उहदे वल्लों जिहड़ा सर वो प्रोपोगंडा करके गुरनाम सिंह रंथी नूं जिहड़ा वा वो नाल लै करके किसी भी तरीके दे नाल लालच वस अरदास करवाई गई आ, जिहड़ा कि सारा खेड आ वह सामने आ गई आ। उहदे वास्ते श्री अकाल तख्त साहब अज्ज असीं पेश होए हां जयदर साहब नूं बेनती करन वास्ते कि जिस तरह RSS दे उत्ते पाबंदी लाई गई सी श्री अकाल तख्त साहब वल्लों, उस तरह BJP जी एक सियासी पार्टी आ ते अपने सियासी मुफादां दी खातर धर्म दे विच जिहड़ी आ उह दखलंदाजी कर रही आ, सिख धर्म दे विच सिख मर्यादा दे विच दखलंदाजी कर रही आ, उहनां उत्ते पाबंदी लाई जावे तां कि अजिहे कार्ज कोई भी अजिहा करन तों पहलां कोई भी सियासी पार्टी करन तों पहलां 100 वार सोचे जी। दूसरा, जिवें कि आपां देखदे हां कि निशान साहिबां दी बेरंती होई आ पिछले कुछ दिन पहलां, एक जिहड़ा कोई गुरप्रीत मिंटू आ मनुखता दी सेवा वाला उहदे वल्लों निशान साहिबां दा संस्कार कीता गया सी बहुत वड्डे पद्धर ते, जो सारा घटनाक्रम सोशल मीडिया राहीं सामने आ गया सी, उहदे उत्ते इक ठोस कार्रवाई वास्ते श्री अकाल तख्त साहिब पेश होए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दास प्रदीप सिंह सेवादार सिख यूथ पावर ऑफ पंजाब, असीं अज इत्थे जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब कोले अपनी एक मंग लै के आए हाँ कि पिछले दिन जो एक ग्रंथी सिंह वल्लों बठिंडे दे विच अरदास कीती गई सी गुरु घर दे विच सरसे वाले दे संबंधी ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे संबंधी, उहदे संबंध विच असीं जथेदार साहिब अपनी मंग लै के आए कि वह जिहड़ी अरदास आ वह BJP ने जाणबुझ के एक माहौल खराब करन वास्ते पंजाब दे विच माहौल खराब करन वास्ते करवाई आ, ते पैसे दे के उहनूं कुछ लालच दे के चीज़ां दा लालच दे के उहनूं इह अरदास करवाई गई आ जिहड़ी कि बहुत ही गलत उहनां ने एक पिरत पाई आ। ते दूजी गल इह कि जिहड़ी BJP आ उह पंजाब दे विच माहौल खराब करना चाहुंदी, असीं जथेदार साहिब को एक मंग लै के आए सी कि जिस तरह पिछले समय दे विच RSS नूं पंथ विरोधी कार्रवाइयां करन करके उहनां दे उत्ते एक हुक्मनामा जारी किया गया सी, उसे तर्ज दे उत्ते असीं चाहुंदे सी कि जिवें BJP RSS दी एक शाखा वा कोई अलग नहीं है, BJP RSS तों वख नहीं है, तो इस संबंध दे विच एक हुक्मनामा जारी किया जाए तो BJP उत्ते पाबंदी लाई जाए। तो दूसरी जिहड़ी साडी मंग आ उह हैगी आ जिहड़ी मनुखता दी सेवा वाले भाई गुरप्रीत सिंह मिंटू ने उहनां वल्लों दिल्ली किसान मोर्चे विच जो पिछे विवाद उठा सीगा कि निशान साहब उन्होंने वाले अगन भेंट किए गए हैं, उस संबंध में कि अकाल तख्त साहब के जथेदार एक जांच कमेटी बनाउण जिहदे विच एक जांच की जाए कि वह किन्ना गलत है, किसकी गलती ज़्यादा है, जो गुरप्रीत सिंह मिंटू ने किन्नी गलती की है, जो गलती की है तो उन्होंने धार्मिक सज़ा तो कानूनी सज़ा उसे दी जाए। आवाज़ गम टीवी अमृतसर तो पत्रकार ललित शर्मा की रिपोर्ट।